नमस्कार दोस्तों, ऐसे में अफीम की फसल में पाला पड़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। जब उसमें टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री चला जाता है, ऐसे में जब पौधे में से डोड़े निकलते हैं, वो डोड़े जलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे में आपने अपने पूरे अफीम प्लॉट को इस तरीके से ढक के जो अपनी फसल है उसको ठंड से बचा सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है, इस प्रकार से आप उस पर जो प्लास्टिक मल्च होती है या फिर प्लास्टिक थैली होती है, उससे पूरी अफीम को ढक सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है, जब भी पाला पड़ने की संभावना हो उस समय रात में अपने खेत के चारों तरफ धुआं जरूर कर दें। और इसी के साथ साथ आप धुएँ की जगह अगर आपके खेत में स्प्रिंकलर लगे हैं, मिनी स्प्रिंकलर हो माइक्रो स्प्रिंकलर हो, ऐसे में रात को 3 से 4 बजे 1-2 बार स्प्रिंकलर को चला दें, जिससे कि आपकी अफीम में पाला पड़ने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाएगी। या फिर आप उसमें ड्रिप इरिगेशन है तो उसमें हल्की हल्की सी सिंचाई कर दें, जिससे कि जो पाला पड़ने की संभावना वो बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपकी फसल को ठंड से बचाया जा सकता है। तो मिलते हैं ऐसी और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जब भी वीडियो लेकर उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय जवान जय किसान।